30 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की भी आहुति हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए उसके जो ऑल्टर होता है उस पर उन्होंने उस वक्त कुर्बान की थी, और एक ऋणी देश उनको हमेशा याद करता रहेगा। आज याद आती हैं उनकी वो अपनी इंटरव्यूज भी जो उन्होंने 1971 के लड़ाई से पहले उस वक्त दी थी, कितना उसमें एक आत्मविश्वास उसमें झलकता था, उसमें एक एलिगेंस जो होता है वो आती थी, लेकिन किसी ढंग का कोई दिखावा या कोई अपना जिससे कहते हैं एक रेटोरिक जिसको बोलते हैं कि दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, वो नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास कितना जबरदस्त दिखाया था उन्होंने उसके बाद, और कितनी बड़ी हिंदुस्तान के लिए जीत 1971 में उन्होंने करके दी थी जिसका पूरी दुनिया उसको दाद देती थी उस, और क्या कुछ देश की तरक्की के लिए नहीं, सभी बातों के लिए देश उनको हमेशा याद रखेगा। हर एक फैसला देश के हित में था उनका। पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी जब अनाज के लिए हमें हाथ अपने फैलाने पड़ते थे, उस बात के लिए उन्होंने आत्मविश्वास के साथ उसके लिए काम किया। साइंटिस्ट को जो एग्रो साइंटिस्ट होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया देश उस वक्त। आज इतनी आबादी है, जब हम अब दूसरी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो जो उस वक्त उन्होंने रेवोल्यूशन एक क्रांति उस वक्त लेके आई थी उनको कैसे भुलाया जा सकता है। गुरबख्श रावत देखिए, आयरन लेडी सब जानते हैं कि हमारे देश की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और जिस तरह से उनके फैसले जिस तरह से थे आज भी हम याद करते हैं, और देश की जिस तरह से उन्होंने बागडोर संभाली थी, हर औरत देश की चाहती है कि वो इंदिरा गांधी की तरह बोल्ड बने और उनकी तरह आयरनी हार्ट से फैसले। तो हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही, कांग्रेस पार्टी से हमारे जुड़े हुए थे, तो ये बहुत आज के दिन हम लोग अपने दिल से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर औरत, क्योंकि हमारे लिए वो आइडल हैं, हर औरत आज अगर उसी जज्बे से चले तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कहीं ये सोचने की जरूरत है कि हम कहीं 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 कमजोर हैं। जी मुझे लगता है कि बहुत सख्त फैसले लेने की जरूरत है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हर औरत को ये सोचने की जरूरत है कि मैं ही इंदिरा गांधी हूँ। सबसे पहले तो वो फैसले ले और अपनी आवाज उठाए और पूरे देश में ये लहर उसी तरह से दौड़े। तो मुझे लगता है ऐसे प्रधानमंत्री की हमें एक बार फिर से आवश्यकता है जो इस तरह के फैसले ले और देश की भलाई के लिए करे। आज उनकी कुर्बानी है जिसकी वजह से आज हम सब हो गई है, क्योंकि उन्होंने, आप सबको याद होगा कि आज जो सेना को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इसका श्रेय लेने की कोशिश होती है, भारतीय सेना किस तरीके से उनको रगेड़ दिया,
और उसके ऊपर हमारे निर्माताओं तो स्वाधीनता भाग के ऊपर किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जनता पार्टी के लोग हमें कैपिटुलेट दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसकी याद में जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी उसमें कांग्रेस सरकार उसमें कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे नेता जवान सरदार वल्लभ भाई मात्र कैसे गृहमंत्री के भाषण में उस समय से लेकर आज तक जो प्रचार प्रसार कांग्रेस में लगे हुए हैं तो आज देश पर प्रचार प्रसार कर रहा हूं अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से कांग्रेस